हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टेल्सकिंग MBTV में मैं भरत मुजीद्रा आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका अपना चैनल है। आप ये तस्वीरें देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम पॉज के स्टेयर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो अमेजिंग, आई हैव ए नो वर्ड्स फॉर ही। आप देख सकते हो लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है। और इसकी एक खास बात बताऊँ क्या, इसके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा था क्योंकि मार्जिंग का लेवल नहीं मिल रहा था। मार्जिंग का लेवल आ जाने के बाद ही ये स्टेयर इंस्टॉलेशन हो सकते हैं। इसके पहले इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके मेजरमेंट में बहुत फर्क रहेगा। तो इसका जो पहला टप्पा है उसमें सिर्फ जो मार्जिंग का स्लोप आया उतना फर्क है, बाकी के सभी स्टेयर 1 mm का भी फर्क नहीं है। सभी स्टेयर को 1 मेजरमेंट से बनाया गया है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ा था मार्जिंग लगने का। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। अगर आपके ओपन पोच का लेवल नहीं मिल रहा है या वहाँ पे टाइल्स का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तब तक आपके मेन पोच के स्टेयर का इंस्टॉलेशन कभी नहीं हो सकता है। तो हमने भी यहाँ पे बाकी रखा था, इसके लिए इंतज़ार किया। हमने जो आगे के जितने स्टेयर और एक ओटला था छोटा सा, वो भी बाकी रख दिया था क्योंकि स्टेयर इंस्टॉलेशन में मेजरमेंट में फ़र्क पड़ जाए, वो भी मेन डोर में, अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो हम बाद में इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो पहले हम स्टेयर बना रहे हैं, स्टेयर को बिल्ड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ब्रिक्स का वर्क करना है, वो भी हमने बाकी रखा था क्योंकि मेजरमेंट नहीं होगा तो उसमें भी बहुत ही प्रॉब्लम आती है। बड़े छोटे बन जाएंगे तो हमें इसको तोड़ना पड़ता है। तो सही मेजरमेंट सब बना के लिए हमें इसका इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मेजरमेंट मिल जाने के बाद ये काम होता है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। इसमें जो सबसे पहला स्टेयर होता है उसमें स्लोप होता है, तो वो एक साइड से बड़ा होगा एक साइड से छोटा होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें बीच में से मेजरमेंट मिलाना है, यानी एक साइड से छोटा हो जाएगा, बीच में सही मेजरमेंट हो जाएगा और साइड में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा वरना बहुत ही बुरा दिखता है अगर एक साइड बड़ा कर दो एक साइड छोटा कर दो। तो इस प्रकार से इसको हमें मिलाना है, बीच में से मेजरमेंट लेना है। पहली सीढ़ी का टप्पा बिठाने के लिए हमें दीवार से, यानी कि जो मेन डोर के पास में जो दीवार है वहाँ से मेजरमेंट लेना होता है एक जैसा, ताकि राइट एंगल हो जाए। यानी कि 60 इंच है 5 फुट, तो दोनों साइड में 5 फुट लेना होता है, वरना मेजरमेंट में गलती होगी तो ऊपर जाके वो राइट एंगल नहीं रहेगा तो एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा दिखेगा। तो हमें मेजरमेंट मिलाने के लिए मेन डोर वाली जो दीवार होती है वहाँ से एक माप लेना होता है। ऐसे पोच के जो पहले टप्पे होते हैं, यानी कि जो पहले स्टेयर होते हैं, उसको बिठाना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर अगर गलती कर दिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत संभाल के काम करना होता है और यहाँ पे मेजरमेंट सभी तरीके से पहले ले लेना होता है। उसके बाद में इस तरीके से पहले लाइजर को लेवल कर लेना है, टॉप को लेवल करके नीचे लाइजर पहले लगा लेना है ताकि मेजरमेंट ख़राब ना हो जाए। उसके बाद में टॉप को यहाँ से ले लेके इसके अंदर मसाला भर के, जैसे हम स्टेयर इंस्टॉल करते हैं इसी तरीके से हमें स्टेयर को इंस्टॉल करना होता है, पहले टप्पे को इंस्टॉल करना होता है। इसको अच्छे से चिपकाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपने बहुत बार देखा होगा कि जो टॉप के नीचे लाइजर लगता है वो बहुत सारी बार निकल जाता है। निकलने की वजह क्या होती है, कारीगर जो इसमें मसाला भूता है उसमें सीमेंट की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है। जो हमने टॉप में मसाला डाला है वही मसाला अगर डायरेक्ट इसमें डाल देता है तो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो मसाले में आप देख सकते हो इतना सीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो साइड में दो लुंदी लगाई है हमने। बीच में हमें जो रेती का मसाला बनना है, रेती के मसाले में जो चीज़ चिपकती है वो कभी भी निकलती नहीं है। सीमेंट से भी ज़्यादा हम सैंडविच प्लेटफॉर्म बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, इसके अंदर रेती के मसाले में ज़्यादा सीमेंट डाल के पानी डाल के जो चीज़ हम अंदर भर देते हैं। तो दोस्तों ख्याल रहे कि आप जब भी स्टेयर इंस्टॉलेशन करते हो तो जो मसाला हमने टॉप के लिए बनाया है वो मसाला गलती से भी नहीं बनना है,
हमें इस तरीके से थोड़ा इसी मसाले में थोड़ा सीमेंट का पानी डाल लो, थोड़ा और सीमेंट डाल लो, अच्छे से मिक्स कर लो, और पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अकेला आपने सीमेंट डाल दिया, मसाला डाल दिया, सीमेंट की मात्रा भी ज़्यादा है, लेकिन पानी की मात्रा कम रहेगी तो भी वो इतना पक्का नहीं होगा। तो आपको पक्का काम करना है तो इस तरीके से एकदम ग्रेवी बनाना होगा, जिसके अंदर सीमेंट ज़्यादा होना चाहिए, मसाला हमारा रेती थोड़ा कम होना चाहिए और पानी ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप इसमें कोरा सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। आपको थोड़ा मसाला भुनना है, थोड़ा कोरा सीमेंट डालना है, और अगर ग्रेवी वाला ज़्यादा मसाला डाल दोगे तो तुरंत ही लाइजर निकल जाता है। तो आपको मसाला डालते डालते कोरा सीमेंट तो डालना ही है दोस्तों। अगर कोरा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुरंत निकल जाता है, वो चिपकेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे कि मैंने गलत सिखाया। आपको ग्रेवी वाला यानी ज़्यादा पानी और ज़्यादा सीमेंट वाला मसाला डालना है, और तुरंत ही ऊपर कोरा सीमेंट का छिड़काव करना है ताकि वो सीमेंट सूख जाए, आपके लाइजर को निकाल ना दे। तो लाइजर इंस्टॉलेशन का सही तरीका यही है कि इसके अंदर पानी और सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो ऊपर का पोर्च है उसमें एक बार रूढ़ा कंक्रीट हो गया था, लेकिन वो थोड़ा डाउन था, तो उसके ऊपर हमको एक बार दोबारा ब्रिक्स का इंस्टॉलेशन करना पड़ा और दूसरे रूढ़े भी डालने पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने रूढ़े डाल के दोबारा इसको थोड़ा लेवल अप करने की ज़रूरत भी पड़ गई थी, क्योंकि पहले वाला लेवल डाउन बनाया गया था। तो हमें दोबारा ब्रिक्स का इंस्टॉलेशन किया हुआ है और उसके ऊपर दोबारा रोड़ा कॉन्क्रीट किया हुआ है, यानी दो बार कॉन्क्रीट है।
हाँ तो दोस्तों आप एक आइडिया ले सकते हो कि सामने के लुक से आप अगर इस तरीके से वाइट लाइजर और ब्लैक ग्रेनाइट के टॉप लगाते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। और एक साइड में हमने छोटी सी बैठक बनाई है, वो भी ग्रेनाइट की बनाई है, ये आर ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक वाइज दिख रहा है। और बैठक में बीच में हमने एक बूट चप्पल रखने के लिए एक छोटा सा सेल्फ भी लगाया है, तो उस सेल्फ में बहुत सारे बूट चप्पल आ जाएंगे और दो खाने हो गए, यानी एक के दो हिस्से कर दिए। तो वो बैठक एक इस तरफ भी बन सकती थी, दूसरी डोर के इस तरफ भी बनेगी, लेकिन डोर के इस तरफ बनाते तो वो पीछे वाला जहाँ पे हमने बैठक बनाई है वो हिस्सा पूरा वेस्ट चला जाता, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा काम ही नहीं होता। तो लुक वाइज ऐसा नहीं लगता, आप दोनों साइड में बना सकते हो, आपकी मर्जी है बनानी है तो, लेकिन हमने एक साइड में यहाँ पे बनाई है तो लुक वाइज ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके से मेन डोर के पोर्च में स्टेयर इंस्टॉलेशन करने और वाइट और ब्लैक ग्रेनाइट में इंस्टॉलेशन करते हो तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना, क्यों नहीं किया है? ओके, और कमेंट तो दिल खोल के किया करो।